सोचिए अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अगर आपके पास टिकट ना हो या कोई टिकट में गड़बड़ी हो, हमेशा आपका ध्यान टीटी की तरफ रहता है कि कहीं आए और पकड़ ना ले आपको और कोई अनावश्यक फाइन ना लगा दे। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ट्रेन ऐसा भी है जहाँ टिकट लेने की कोई झंझट ही नहीं है। जी हाँ, भारत में चलने वाली इस ट्रेन में आप फ्री में यात्रा कर सकते हैं। दरअसल यह ट्रेन भारत के भाखड़ा नांगल रेल रूट पर चलती है। पंजाब के नांगल से हिमाचल में बने भाखड़ा डैम तक चलने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें सफ़र करने के लिए यात्रियों को किसी तरह के टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1949 में शुरू हुई यह ट्रेन पिछले 70 सालों से इस रूट में सफ़र करने वाले 25 गांव के लोगों को मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रही है। आपको बता दें, भाखड़ा डैम का नाम भारत के अद्भुत बांधों में से एक है। लगभग 225 मीटर ऊंचे इस बांध की गिनती भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे ऊंची बांधों में होती है। इसको देखने के लिए काफ़ी पर्यटक हर साल यहाँ आते रहते हैं। भाखड़ा से नांगल और नांगल से भाखड़ा तक के सफ़र को सुविधा देने के लिए इस ट्रेन का संचालन BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करती है। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के समय से ही यह बोर्ड इन दो हिस्सों को जोड़ने वाली ट्रेन के परिचालन का जिम्मा संभाल रहा है। दरअसल भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के वक्त बांध बनाने वाले मैनेजमेंट ने गाँव वालों से यह वादा किया था कि उनकी सुविधा के लिए भाखड़ा और नांगल के बीच ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रा करने के लिए किसी तरह के टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। इस ट्रेन में लकड़ी की सीटें बनी हुई हैं जैसे पहले हुआ करती थी और इंजन भी अंग्रेजों के ज़माने का है। यात्रा करते वक्त आपको एक सुरंग और सतलज नदी पर बने पुल देखने को मिलेंगे जो इस यात्रा को रोमांच से भर देते हैं और दिल गदगद हो जाता है। भाखड़ा नांगल के बीच चलने वाली यह ट्रेन दिन में 2 बार अप डाउन करती है। यह ट्रेन नांगल से सुबह 7:05 पर चलती है और सुबह 8:20 पर वापस चली जाती है और फिर पुनः दोपहर 3:05 पर भाखड़ा के लिए चलती है और शाम को 4:20 पर फिर लौट आती है। भाखड़ा और नांगल के बीच की दूरी तय करने में इस ट्रेन को तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। इन दोनों स्टेशनों के बीच रहने वाले करीब 25 गाँव के लोगों के लिए यह ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं है और वहाँ के विद्यार्थियों के लिए तो यह ट्रेन जीवनदायिनी है क्योंकि उच्च शिक्षा पाने के लिए नांगल के भटोली में जाना पड़ता है और नांगल तक जाने के लिए उनके पास ट्रेन से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वैसे असल में यह ट्रेन चलता फिरता स्मारक है या फिर कहें कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक है क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद भाखड़ा नांगल जैसे विशालकाय बांध बनाने और इसके बाद पहाड़ी रास्तों को काटकर दुर्गम इलाकों के बीच ट्रेन के लिए रास्ता बनाना जैसे अविश्वसनीय और अविस्मरणीय उपलब्धि से नौजवानों को रूबरू कराने और उनके जेहन में बीते कल की बातों को जिंदा रखने के लिए पिछले 70 साल से भाखड़ा नांगल के बीच मुफ्त ट्रेन सेवा जारी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।